करंट। तो मेरे बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो है ना होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो I इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन होती है बेटा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। हमें पता है मैथ में हम बाय डी बाय डी टी को क्या बोलते हैं बेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, बारा का क्या लग गया चार्ज, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी डेफिनेशन, क्या बेटा, द टाइम रेट ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन और थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर, ये बेटा इज कॉल्ड, क्या नाम है बेटा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन बेटा दूसरी डेफिनेशन एक और है, वो क्या होती है डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो ये चेंज लिखा ना इसका मतलब क्या है, फ्लो, तो क्या है बेटा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी यस बेटा, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर, ऑफ एनी कंडक्टर या मेटल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, एंड रिप्रेजेंट बाय करंट, किसके रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आई से, किससे बेटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आई है इसकी जो यूनिट है बेटा क्या है, यूनिट, जो यूनिट है ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, क्या बेटा एम्पियर, एम्पियर है बेटा, एम्पियर है, और साइन किससे देंगे, ए से, किससे देंगे बेटा ए से, क्योंकि एम्पियर पता ही अपना फंडामेंटल यूनिट है, कौन सी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा एम्पियर, ठीक है बेटे, तो एम्पियर यूनिट आ गई। तो अब हमें ये बताना है कि जो करंट है, जो करंट है बेटा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी बेटा, स्केलर क्वांटिटी, क्यों क्यों है बेटा स्केलर क्वांटिटी क्यों है, कारण है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, वो मैंने कल भी बताया था। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है बेटा, ये लोहे की कोई रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा ए, ये क्या बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है कितनी है बेटा एल लेंथ है, और हमने इसमें तो क्या पास कर दिया बेटा करंट, क्या पास करा करंट, आप तो ये कह रहे हो करंट जाया है, लेकिन बेटा करंट पास करने का मतलब है, अब मैंने बोला था इसमें क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई इधर चल रहा है कोई इधर चल रहा है ना बेटा, ये दिन बाद वो किसमें चलते थे जिगजैग मोशन में चलते, लेकिन बेटा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन उठाए थे 10^29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, ये कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है निगेटिव चला, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे अपन पता इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा नेगेटिव चार्ज, किसमें हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, किससे उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी, तो सभी सभी ऐसे चल पड़ेंगे एक डेफिनेट डायरेक्शन, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे किसमें एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करे, इट मीन दैट इज द काज ऑफ करंट, किसका काज है बेटा करंट का कारण बनता है ये करंट फ्लो, लेकिन क्या होगा बेटा देखिए आपने तो ये बात करी भैया बैटरी थी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ठीक है बेटा, तो ये जो करंट निकला है बेटा ये करंट क्या होता है पॉजिटिव फ्लो, जैसे ही देखो यहां हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है
इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आओगा बेटा, उधर यहां से क्या जाएगा, एक प्रोटोन क्या जाएगा बेटा, एक प्रोटोन जाएगा, तो दो करंट बनेंगे। तो ये वाला जो करंट है, ये कौन सा करंट है, प्रोटोन, किसका करंट है, प्रोटोन का। प्रोटोन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, किसका बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ये साइन दिखाते हैं हम, ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण हो गया, तो इसका नाम बेटा कन्वेंशनल करंट। कौन सा बेटा, करंट जो है बेटा, दो करंट बनेंगे, एक बनेगा किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एक बनेगा प्रोटोन की वजह से। किसकी वजह से बेटा, प्रोटोन की वजह से। तो करंट डायरेक्शन कितनी आएगी, दो। क्या ये वेक्टर है, नहीं, वेक्टर की क्यों है, एक डायरेक्शन, इसलिए बेटा इसका दो करंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक प्रोटॉन की वजह से। लेकिन जो ये करंट होता है बेटा, प्रोटॉन की वजह से जो करंट होता है बेटा, या पॉजिटिव के कारण जो करंट होता है, उसका नाम है क्या बेटा, कन्वेंशनल करंट। क्या बेटा, कन्वेंशनल करंट। क्या नाम लिखेंगे बेटा, द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल। जो ये डायग्राम में दिखाते हैं हम, साइन करके भाई आ गया, गया करंट, वो कौन सा करंट हो गया, कन्वेंशनल। कौन सा बेटा, क्लियर होगी बात। और इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा क्या आएगा, ये ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस बेटा, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटा। क्लियर है बेटे, हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका करंट के बारे में। अब ये मैंने बोल रहा था भाई, इसकी जो एसआई यूनिट है करंट की, देखिए बेटा आई बराबर के का आता है, आई बराबर हो गया क्यू बाय टी, क्यू बाय टी, या बेटा डी क्यू बाय डी टी। ओके, ये पढ़ रखा आपने, अब सुनो बेटा, करंट यूनिट क्या होता है, मैंने एम्पियर, तो करंट क्या क्या लाएगा, वन एम्पियर, जब कितना चार्ज, वन कूलम, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो क्या लिखोगे, व्हेन ए चार्ज ऑफ वन कूलम फ्लोइंग इन वन सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, देन द करंट हैज टू बी वन एम्पियर, व्हेन ए चार्ज ऑफ वन कूलम फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर या मेटल, ऑफ ए कंडक्टर या मेटल इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड, देन द करंट, देन करंट इज सेट टू बी, इज सेट टू बी वन। क्लियर हो गया। अब बेटा इसकी डायमेंशन पता है, ए क्या आएगा, ए एंड द डिवाइस यूज, जो डिवाइस होता है बेटा, जो करंट को डिटेक्ट मेजर करता है डिवाइस, दैट इज द एमीटर। क्या बेटा, दैट इज द एमीटर। क्या बेटा, एमीटर। और एमीटर घर के अंदर या किसी भी उसमें किस में लगता है, सीरीज में, किस में लगता है बेटा, ये सीरीज में। क्यों लगता है, ये मैंने बता रखा वाई, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, बिकॉज आई क्या होता है बेटा, सीरीज में करंट क्या होता है बेटा, ठीक है बेटी, क्लियर होगी बात, ठीक है। ये डायमेंशन फार्मूला भी हो जाएगा, डायमेंशन क्या होता होगा, एटी, डायमेंशन क्या होगा बेटा, सॉरी करंट का तो ये आएगा भाई एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये बनेगा बस, वो तो चार्ज को होता है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। दो प्रकार के करंट होते हैं जो हम दिखाते हैं कॉपी पकड़ो, या प्लस माइनस, वो कौन सा है, कन्वेंशनल, किसके कारण, फ्लो प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। ये तो आपका इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि हम क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, ये वाला एरिया, ये देखो, कोई पूछेगा आपको भाई वी आर शोइंग द डायरेक्शन, हाउएवर या येट इट वी इट इज द स्केलर, बिकॉज देयर आर द टू करंट, दो करंट है,